सो है गाइज, एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। गाइज आज हम निकल रहे हैं पटना जरूरी काम के लिए, क्योंकि आज हमको लेना है एक लैपटॉप, है ना, जरूरी हो गया है। और अभी तक कमी महसूस नहीं हुआ लैपटॉप का, बिकॉज काम चल रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट है ना ज्वाइनिंग के लिए कंपलसरी कर दिया है, तो आज थोड़ा सोचे हैं। तो स्पेसिफिकेशन सब देख लिए हैं, तो ऑनलाइन में जो पेमेंट है वही पेमेंट यदि ऑफलाइन में देता है तो बढ़िया रहेगा। अच्छा क्वालिटी फॉर क्रिएटर के लिए जो लैपटॉप होता है वही हमको भी लेना है ना, एडिटिंग वगैरह समय भी कम आ जाए, और भी पार्ट ग्राफिक्स अच्छा होना चाहिए, अच्छा प्रोसेसर का रैम बढ़िया है ना, सब कुछ देख लिए हैं। वहाँ पर यदि मिलता है तो ले लिया जाएगा, उसके बाद देख लेंगे और जाते हैं। तो यदि ऑफलाइन लेने में एक बेनिफिट मिलता है कि बैग वगैरह सब मिल जाता है और नज़दीक भी है, क्यों नहीं, यदि सेम पेमेंट में यदि मिल रहा है तो ऑफलाइन लेने में ही। हम जा रहे हैं अभी पटना, है ना, SP वर्मा रोड, तो निकल पड़े हैं आरा से, है ना, रूम से, और ट्रेन लेंगे, एक दोस्त भी साथ में है, वहाँ पर रिसीव करेंगे और निकल पड़ेंगे। तो फाइनली अभी हम कलम मोड़ पर आ गए हैं, अब थोड़ा ही देर लगेगा आरा जंक्शन जाने में। फिर वहाँ से जो यहाँ पर पॉइंट है ना, राइट टर्न लेंगे यहाँ से, और राइट टर्न लेने के बाद स्टेशन है राइट टर्न, बस यहाँ से 2 मिनट और लगेगा स्टेशन जाने में हमको। ये आरा का मार्केट है ना, आ गए फाइनली मार्केट में, और यहाँ से लेफ्ट घूमेंगे और ये मार्केट सब रहा बहुत सारा, इधर से लेफ्ट लेंगे और बगल में ही आरा जंक्शन है ना। आरा जंक्शन जाने के बाद ट्रेन का हम वेट करेंगे, काशी पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस, और उसी से मेरा एक दोस्त भी आ रहा है ना। ये सब दुकान से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा नज़ारा है आरा जंक्शन का, और टाइम भी हो गया है, थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। भाई साहब अभी का सुबह का टाइम 9:30 बजे का टाइम है, और ये नज़ारा है जंक्शन का, खराब हो गया, गर्मी भी इतना चिलचिलाहट, गर्मी लग रही है क्या। तो हमको अब आगे जंक्शन, इधर से हम ठीक है, यही रहा, ये बोर्ड नहीं लगा था, अब किस चीज़ नया में लगा है बोर्ड हमारा जंक्शन, और यहीं से पकड़ेंगे ट्रेन और जाएंगे पटना, और पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये बोर्ड नहीं लगा था, कुछ दिन रिसेंटली लगा है ना, बार बार आते हैं तो उस टाइम नहीं था, और अब देख सकते हैं आरा जंक्शन का नज़ारा। अरे भाई तो ब्रिज पर से भी दिखाएंगे आरा का जंक्शन पूरा, और इसी स्टेयर से, तो शायद वो भी ख़राब भी हो गया है, चलो स्टेयर से ही चलते हैं, शायद वो भी ख़राब है ना, बोलिए वहाँ से नज़ारा देखे आरा जंक्शन का। शायद कौन ट्रेन अभी आई है बताइए, अभी हमको एक ट्रेन लेना था, मेरा दोस्त है, तो काशी पटना जन शताब्दी, और एक ट्रेन छूट गई हमको, है ना, अभी देखिए एक कमाख्या, ये ट्रेन अभी छूट गई, इससे डायरेक्ट ही पटने रुकेगी, बीटा इसका स्टॉपेज नहीं है, अब बताइए दोस्त के चलते अब रुकना पड़ेगा, है ना, जस्ट अभी खुले ऑलरेडी ये ट्रेन लेट थी, है ना, ट्रेन छूट गया अरे भक्त, चलिए कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। और ये नज़ारा आप आरा जंक्शन का, है ना, आज फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, है ना, अब देख सकते हैं आरा जंक्शन का नज़ारा, और ट्रेन आ गया, ट्रेन फाइनली गए, देखिए कितना भीड़ है, बाप रे बाप, इसी में चढ़ना है ना, देखिए कितना भीड़ है। पटना जंक्शन पहुंच गया है भाई, इतना भीड़ था, दिमाग खराब हो गया, सीढ़ी से देखिए फिर जाना होगा आपको बाहर, उसके बाद चलेंगे SP वर्मा रोड ना, SP की फ्रेजर रोड वहीं पर तो है ना दोनों, हाँ, तो यहाँ जाने के बाद SP वर्मा रोड डायरेक्ट निकलेंगे, तो ये आप नज़ारा देख सकते हैं जंक्शन का,
बाप रे बाप। ये नज़ारा देखे पूरा पटना का। अब यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट SP बर्मा रोड और ये नज़ारा जैसा का बाहर का व्यू का। बस से चलेगा इसी यही बस जाएगा गांधी मैदान। गांधी मैदान वाला बस लेना है भीड़ देखो यार। ये यही हाँ गांधी मैदान लिखा देखते यही बस लिखा। सो गाइस फाइनली SP बर्मा रोड आ गए हैं, है ना। ये सामने रहा और इसी रोड में है ना बहुत सारे शॉप है कंप्यूटर का, है ना, लाइन लगा हुआ है। ये कंप्यूटर के लिए जाना ही जाता है ये रोड। और जो स्पेशल सजेशन अगर आप कुछ किए यदि मिलता है तो आप फिर डिटेल से बताते हैं, है ना। उससे आसूस का प्लान था तो जितना सारा स्पेसिफिकेशन हम चूज किए हैं यदि मिलता है तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो जो स्पेसिफिकेशन कोई भी में मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो जो स्पेसिफिकेशन चुन के लिए वही लेना है। तो ये फाइनली SP बर्मा रोड और इधर ओनली कंप्यूटर का ही लैपटॉप का एक तरह से मुझे फैक्ट्री ही है। इधर से स्टार्ट हो गया है ना, देखिए सब कंप्यूटर लैपटॉप। तो फाइनली शॉप में जाने के बाद यदि हमको मिलता है तो डिटेल्स में बताते हैं। अरे इसमें AC है पूरा, ठीक ना। उस बस में आया दिमाग खराब हो गया। हाँ हाँ पूरा। तो देखिए लाइने से सब लैपटॉप का दुकान पूरा देखिए कते बड़का बड़का है। तो हमको पर्सनल कौन सा आसूस शॉप में जाना है ना। इधर देखिए एसर का इसी तरह से आसूस इसी में चलिए। ये पर्सनल आसूस का है ना, इसमें देख लेते हैं यदि मिलता है तो बताते हैं डिटेल्स में, है ना। हे गाइस आसूस के स्टोर में गए थे, है ना, और बताए थे आप सबको कि मिलता है इस स्टोर में, तो डिटेल्स में आप सबको बताते हैं। भाई बता दे उस स्टोर में भी नहीं मिला, उसके साथ साथ जितना स्टोर था SP बर्मा रोड में कोई स्टोर में नहीं मिला, है ना। वो साफ साफ बोल रहे थे कि जो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन में देख के आए हैं ऑफलाइन में जनरली मिलता नहीं है। और सही में भाई एक भी दुकान को हम नहीं छोड़े, है ना। जहाँ जहाँ आसूस का स्टोर था सब जगह गए, नहीं मिला। लेना था हमको उसी दिन, जरूरी था। बता दे DLRS डिपार्टमेंट जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, है ना। वो साफ साफ बोल दिया था कि ज्वाइनिंग से पहले आपके पास न्यू लैपटॉप न्यू फोन होना जरूरी है विथ GST बिल के साथ, वो भी अपने नाम पर। तो क्या करें, है ना, तो जरूरी था लेना। तो फाइनली गाइज हमको मिला, कहाँ मिला डिटेल से बताते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट हम मंगाए दरभंगा से, है ना। अपने भाई जी को बोले कि एक बार ट्राई करिए दरभंगा में मिलता है कि नहीं। भाई वहाँ गए, देखिए कितना लकी, है ना, वहाँ पर अवेलेबल था जो कॉन्फ़िगरेशन जो स्पेसिफिकेशन का हमको लैपटॉप चाहिए था। और फाइनली मिल गया और वहाँ से डायरेक्ट दरभंगा से आराम मंगाया, है ना, मिल तो गया, है ना। तो बताते हैं जो स्पेसिफिकेशन हमको चाहिए था, 14 इंच में हमको चाहिए था लैपटॉप, है ना। क्या है स्क्रीन प्रोटेक्टर, देख सकते हैं ये हो गया स्क्रीन प्रोटेक्टर और कीबोर्ड। अनबॉक्सिंग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्या ही कीजिएगा, पूरा जितना डब्बा वगैरह पैकिंग वगैरह था उतना दूर से बारिश का मौसम है, समझ सकते हैं लाना थोड़ा कठिन था, तो इसीलिए पैकिंग वगैरह सब कुछ दुकान में ही फाड़ छेड़ दिया, है ना। और बस लैपटॉप लेकर आ गया और ये दिया आपका क्या बोलते हैं ऑफलाइन में, तो ये तो फायदा है आपको बहुत सारा चीज़ उसके साथ मिल जाता है, कीबोर्ड और उसके साथ साथ आपका और भी कुछ है। हाँ क्या है, माउस का डब्बा है, अच्छा माउस इधर है ना, माउस। उसके बाद क्या है चार्जर, ठीक ना, और चार्जर एक मिनट, क्लीनिंग जेल है ना मल्टीपर्पज़, कुछ भी नहीं है ये पन्नी वगैरह सब जो भी है पूरा रखल है। तो लेना तो ज़रूरी था, अब क्या ही कीजिएगा जल्दी। तो देखिए यही है आपका, या देखें बढ़िया है, जो चाहिए हमको सब कुछ इससे मिल गया। क्या है इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस अमेजिंग कॉम्पैक्ट OLED, है ना, 0.2, है ना, देख सकते हैं। क्या है रिस्पॉन्स टाइम, तो बहुत बढ़िया। और जो स्पेसिफिकेशन वगैरह चाहिए था हम बताते हैं। स्टैंड लाए थे एक मिनट, लैपटॉप स्टैंड यहाँ पर लगाते दिखाते हैं आपसे। वाह देखिए भाई साहब, है ना, ये इसका फीचर 180 है
और उसके साथ इंटेल कोर i5 एनवीडिया GeForce RTX, तो ये आसूस वीवो बुक। तो इसका स्पेसिफिकेशन हमको जो चाहिए था 14 इंच का चाहिए OLED स्क्रीन के साथ और MS ऑफिस प्रोवाइडेड होना चाहिए। जनरली समय रहता है गेमिंग लैपटॉप हमको चाहिए था जो क्रिएटर के चाहिए है ना, तो जनरली उसमें रहता नहीं है तो ये भी देखना पड़ता है। उसके साथ साथ रैम 16 GB, SSD कैपेसिटी 512 है ना, ये सब रिक्वायरमेंट था। आपका प्रोसेसर ब्रांड हो गया इंटेल का i5 जनरेशन 12-13 चलेगा ठीक ना, और ग्राफिक्स कैपेसिटी 4 GB, ग्राफिक प्रोसेसर एनवीडिया का GeForce RTX 2050 मिनिमम, तो ग्राफिक्स 4 GB RTX 2050 एक कम से कम जरूरी था हमको। और सबसे ज़रूरी था कि हमको देखिए है ना सिल्वर कलर ठीक ना, सिल्वर कलर एक मिनट इसको थोड़ा इसमें चिपका देते हैं। देखिए यही सबसे ज़रूरी था, सिल्वर कलर चाहिए थे, कूल सिल्वर कलर है, मेटल बॉडी है ना, मस्त है। 14 इंच में चाहिए था वो भी मिल गया हमको, और कलर में नो कम्प्रोमाइज हमको। ये कलर जो कोई भी कंपनी में यदि सब स्पेसिफिकेशन मिल भी गया, यदि कलर ये नहीं तो कंफ्यूजन में हम चल जाते हैं है ना, तो हमको कलर हर हाल में ही चाहिए ही था ठीक। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आपको बता दें, OLED में है ना, हमको OLED में चाहिए था है ना। उसके बाद सबसे बड़ी बात था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वेट है ना 1.5 kg के अंदर चाहिए था। इसका वेट हमको है 1.4 kg। उसके साथ साथ देखिए फिंगरप्रिंट भी दिया है ना, ये फिंगरप्रिंट है, और आपके साथ इसमें गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और हाई लेवल का यदि आप गेम करते हैं, यूसम गेम तो खेलते नहीं, थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह के लिए इसलिए 4 GB ग्राफिक्स और RTX 2050 लेना जरूरी पड़ा। और आपका क्या बोलते हैं, देखिए ऑफिस होम एंड स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट सब कुछ प्रोवाइडेड है, और आसूस वीवो बुक आपका सीरीज बता दे रहे हैं, आसूस वीवो बुक 14X OLED है ना, फोर क्रिएटर इंटेल एच सीरीज ठीक ना, 180 है इसका। उसके बाद आसूस AI नॉइज कैंसिलिंग ऑडियो फॉर क्लियर स्पीच है, फिजिकल वेब कैम शील्ड फॉर इंस्टेंट प्राइवेसी, 180 डिग्री बताए थे है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया सा मिला। उसके बाद क्या है ना, इसका जो फीचर्स है सबसे बढ़िया हमको ये लगा OLED स्क्रीन है ना, स्क्रीन रिजोल्यूशन 2.8K है ना, इनक्रेडिबल भाई इनक्रेडिबल, 2880x1800 स्क्रीन रिजोल्यूशन समझ सकते हैं। तो OLED का फीचर्स मिल गया हमको है ना, एकदम कलर ग्रेडिंग में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्वालिटी में तो नो कम्प्रोमाइज भाई, क्वालिटी का तो बात ही मत कीजिए। तो सब कुछ बहुत बढ़िया से मिल गया है ना, तो ये कंपलसरी था उसी दिन लेना था, इसका बिल वगैरह जमा करना था, GST बिल है ना ज्वाइनिंग लेने से पहले, तो मेरे पास चाहिए ही चाहिए था। तो ऐसा क्यों, तो डिपार्टमेंट जो है भाई इसका जो भी पेमेंट वगैरह डिपार्टमेंट पे करेगा, मोबाइल का और लैपटॉप का हमको पैसा दिया जाएगा किसके द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, जो भी इसका जो भी पेमेंट वगैरह होगा डिपार्टमेंट वो हमको देगा ठीक ना। और ऐसा भी नहीं है भाई, लिमिट है ना, कोई भी चीज़ का लिमिट होता नहीं, तो अपने पसंद से कोई एकदम बढ़िया बढ़िया सा लैपटॉप उठा लेगा, एक लिमिट है, थोड़ा बहुत हम अपने तरफ से इसमें लगाए हैं है ना, और जो भी पेमेंट वगैरह डिपार्टमेंट्स का है वो अपना देगा, और जो भी एक्स्ट्रा वगैरह हम थोड़ा बढ़िया सा लिए, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग गया इसमें है ना, तो वो मेरा एक्स्ट्रा हम लगाए जानबूझ के कि भाई थोड़ा बढ़िया होगा तो सही रहेगा है ना, इतना में इतना पैसा समझिए कि इसमें हमको एप्पल का है ना, एप्पल का मैकबुक एयर M1 इजीली आराम से आ जाएगा, उससे कई उससे भी ज़्यादा ही पेमेंट लगा है। और उसके एप्पल का मैकबुक एयर का जो कोई भी M1 M2 M3 उसका जो स्क्रीन है रिजोल्यूशन वगैरह उससे कई गुना इसमें ज़्यादा है, और उसका जो M1 बोले हैं एप्पल का मैकबुक में वो आराम से ले सकते थे, बट भाई उसका जो है ना मेंटेनेंस पॉसिबल ही नहीं है अभी, समझ ही सकते हैं थोड़ा वो स्टेटस लेवल का हो गया, तो जब होगा देखा जाएगा। तो उसमें बस रैम कितना 8 GB 256 SSD है भाई, लेकर भी क्या करेंगे, उसके लिए हमको काम चाहिए है ना, जो सब कुछ हमको आसूस प्रोवाइड कर रहा है, इसमें 512 16 GB रैम, गेमिंग वगैरह 4 GB एप्पल पॉसिबल ही नहीं है, वो स्टेटस वगैरह के लिए वो ठीक ठाक है, तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो समझो उससे ज़्यादा पेमेंट लग गया हमको। M1 आराम से आ जाएगा, एप्पल मैकबुक एयर M1। तो बस, और हो सके तो यदि इसी टाइप का इसी रेंज में इसी पेमेंट तक इसी रेंज में आप लोग भी यदि लेना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंड यही, मतलब मेरा पसंद है, ऐसा नहीं है इससे भी बढ़िया बढ़िया सा है लैपटॉप था यार, HP का Acer का बहुत पसंद आया, बट उसमें क्या था ना वेट का कंडीशन यार, 2.5 kg तक यार कौन लेगा, उसको ढोना हमको जनरली इसको हमेशा पोर्टेबल चाहिए था, आराम से इजिली हम बैग में लेकर कहीं भी ले जा सकते हैं, आराम से ले आने कैरी करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गेमिंग लैपटॉप क्या होता है ना यार, इतना मतलब वेट के कारण उसको ले जाने में लाने में बहुत दिक्कत होता है, हमको ऑफिशियल वर्क भी करना है, इस पर डिपार्टमेंट दिया है अपना वर्क करने के लिए, तो हमेशा आने ले जाने लाने में थोड़ा कठिनाइयां ना हो, इसलिए हम ये लैपटॉप हम चॉइस किए हैं। आप अपना गेमिंग लैपटॉप एक से बढ़कर एक है, यदि आप हाई लेवल का गेम खेलते हैं, क्रिएटर है, एडिटिंग अगर पावर है, तो आप HP सबका विक्टर्स वगैरह से बहुत बढ़िया लैपटॉप से वो भी ले सकते हैं। आप Acer में भी बहुत बढ़िया तगड़ा तगड़ा इस रेंज में, इससे कम रेंज में भी आ जाएगा आपको RTX 3050 आराम से आ जाएगा है ना, i5 आराम से।
16512 के साथ। बस हमको कलर जो मतलब जितना हमको चाहिए था, जो भी स्पेसिफिकेशन, पैसा भले ही ज़्यादा लगा मैटर नहीं करता है, थोड़ा हमको भी लग रहा है बहुत पैसा लग गया है ना, लेकिन हमको जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए था 100% मिल गया हमको, इसमें सब कुछ मिल गया था, तो हमको इसीलिए बढ़िया लगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग यदि हम रिकमेंड करेंगे, 3-4 चीज़ करेंगे, यदि आप लोग ले रहे हैं तो कोई भी चलेगा है ना, लैपटॉप कोई कंपनी अगर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप सिंपल ऑफिशियल वर्क के ले रहे हैं तो रैम 16 GB मिनिमम होना चाहिए, उसके साथ साथ 512 और i5 3 कंपलसरी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा है ना। जनरेशन 12-13 चलेगा, ठीक है, 12-13 चलेगा। उसके बाद यदि आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं, हाई लेवल का गेमिंग खेलते हैं, तो RTX 3050 देखिएगा। यदि आप थोड़ा बहुत खेलते हैं तो 4 GB और 2050 भी चल जाएगा, जो ये मेरा है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आप आईरिक्स भी एक्सी है HP का, इंटेल का, जो ग्राफिक्स वगैरह वो भी दौड़ेगा है ना, बट हमको जो भी OLED स्क्रीन भाई हमको ये अट्रैक्ट किया, उसके साथ साथ 14 इंच कलर और वेट इसका है ना, सब कुछ, तो इसीलिए इसको हम ले लिया है ना थोड़ा। और उसके साथ साथ मान लीजिए इसका स्क्रीन OLED जितना, जो OLED एक से बढ़कर एक आपको आसूस ही जनरेट करता है, मैक्सिमम OLED आपको दूसरे कंपनी में मिलेगा भी नहीं है ना, वो गेमिंग वगैरह जो भी लीजिएगा वो कम वेट में आसूस हमको दिखा दिया। मैक्सिमम दूसरे कंपनी वगैरह में भी गए तो ज़्यादा वेट का था, कलर भी दूसरा था, तो हम इसको ज़्यादा हम चॉइस किया। अभी अपने अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन वगैरह बताए हैं तो आप ले सकते, हो सके तो हम इस रेंज में चाहिए तो हम अपना रिकमेंड करेंगे, और हो सके लिंक हम डाल देंगे, इसका भी हम डाल देंगे, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं। तो भाई चलिए थोड़ा इसको सामने से दिखाते हैं। ओ भाई देखिए, ये MS ऑफिस प्रोवाइडेड है, ये आपका फिंगरप्रिंट हो गया। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ना, 3 साल तक आपको प्रोटेक्शन देता है लैपटॉप का, कंप्लीट प्रोटेक्शन। इसमें भी पेमेंट लगता है आपको 4,000-5,000 रुपया है ना, 3 साल के लेते, वो भी ले लिया, इसीलिए इंक्रीज हो गया प्राइस बहुत। और हम देख सकते हैं थोड़ा लगा, लेकिन जो भी पैसा लगा कोई बात नहीं है ना, मनपसंद चीज़ आ गया, यही बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि मिलता भी नहीं है, धोखा से मिल गया दरभंगा में, तो समझिए बहुत बड़ी बात है उस दिन ही। और मान लीजिए उस दिन तो लेना ही था, मान लीजिए ये नहीं मिलता तो कोई ना कोई लैपटॉप जरूर, तो ये मिल गया यही बहुत बड़ी बात है ना, तो अब नहीं तो कोई ना कोई जरूर ले लेते। वो Acer का हम चॉइस किए थे, बट वो भी गए उसके स्टोर में, सॉरी Acer का, तो वो भी बोला कि नहीं भाई नहीं है, मतलब क्या ही कह रहे, दिल टूट गया। फिर किसी भी तरह मिल गया, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। इसका जो बॉडी वगैरह है ना भाई साहब, इतना मस्त है कि क्या ही कहें। तो बस तो यही रहा है ना फाइनल। और इसको जो बिलिंग वगैरह जो कुछ भी हो गया है, तो अब हमको ज्वाइनिंग कहाँ हुआ है ना, बोले थे, जिक्र किए थे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा आपको है ना, वहाँ ज्वाइन लेटर लेने जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, सारा का सारा वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो यूट्यूब पर बने रहे, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, सबका सब नोटिफिकेशन वगैरह सब जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।